हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अमरूद की जेली। बहुत अच्छे अमरूद आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल पके हुए अमरूद लिए हैं मैंने, हरे नहीं हैं, पीले अमरूद हैं। ये अमरूद 1 किलो के लगभग हैं, इनसे आज हम बनाएंगे अमरूद की जेली। तो उसके लिए सबसे पहले हम अमरूद को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसका ये वाला बिल्कुल ऐसे पोर्शन हम निकाल देंगे और इसके छोटे टुकड़े हम काट लेंगे। जहां से भी थोड़ा भी दाग है कुछ है उसको हम ऐसे निकाल देंगे और ऐसे अमरूद को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए मैंने ये छोटे टुकड़ों में काट लिया है अमरूद। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि ये अमरूद अच्छे से डिप हो जाए, पूरे भीग जाए, अच्छे से पूरे डूब जाए पानी में। देखिए जेली बनाने के लिए जरूरी है कि फ्रूट में पेक्टिन हो। जिस फ्रूट में पेक्टिन होता है, पेक्टिन एक तरह का तत्व होता है जो फल में होता है और ये हर फल में नहीं होता। देखिए मैंने बस इतना पानी डाला कि अच्छे से डिप हो गए हैं, है ना। तकरीबन इसमें पानी पड़ा है 1.5 लीटर, इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी पड़ा है। अब इसको हम बॉईल करेंगे फुल फ्लेम पर। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फुल फ्लेम पर अमरूद पानी में भिगोकर चढ़ा दिए हैं। अब इनको बॉईल होने देंगे बहुत अच्छे से। अभी इसमें बॉईल आता है फिर आपको दिखाएंगे। इसको हम बहुत चलाएंगे नहीं कलछी से, इसको चलाते नहीं है, इसको बॉईल होने देते हैं। बस बीच में थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि नीचे से अमरूद बैठ ना जाए और तली में लग ना जाए, जलने ना लगे। लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा कलछी नहीं चलाते और अमरूद को हाथ से घोटते नहीं है ताकि इसका तत्व अपने आप गर्म होते होते अपने आप पेक्टिन बाहर आता रहे और ये अमरूद अपने आप पकते रहे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉयल होना शुरू हो रहा है, बबल्स आ रहे हैं। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पेक्टिन बाहर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये पेक्टिन है, अमरूद में से पेक्टिन बाहर आने लगा है, ये देखिए। हम इसमें बहुत कलछी नहीं चलाते हैं नहीं तो इसको फ्रूट में से पेक्टिन निकलने में डिस्टर्बेंस होता है और इसमें कलछी नहीं चलानी है। बिल्कुल भी कलछी आप नहीं के बराबर चलाएंगे। तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि पेक्टिन देखिए बाहर आ रहा है इसमें से और ये अभी ऐसे ही हम बॉईल होने देंगे इसको। और जब बिल्कुल ये गल जाएगा, एकदम हलवे जैसा गल जाएगा, बिल्कुल इसका छिलका अलग हो जाएगा, गूदा एकदम वैसा हो जाएगा, तब हम जानेंगे कि हाँ इसका पूरा पेक्टिन बाहर आ गया है और ये गल गया है। फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अमरूद में देखिए पेक्टिन ऊपर आ रहा है, देखिए सारा पेक्टिन है पूरा। ये जितने आपको झाग दिख रहे हैं ये फ्रूट का तत्व है पेक्टिन। अब ये गल गया है अमरूद बिल्कुल, ये कैसे हम पहचानेंगे कि अब ये हो गया है। ये देखिए गूदा अलग हो गया है, ये देखिए गूदा बिल्कुल अलग हो गया है और ये बहुत गर्म है। ये देखिए छिलका अलग हो गया है, आप देखिए छिलका ये अलग निकल रहा है। ये देखिए छिलके ने फ्रूट को छोड़ दिया, गूदे ने इस हिस्से को छोड़ दिया अलग, बीज वाले हिस्से ने, देखिए सब अलग हो गया है। ये देखिए छिलका अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ये इसकी पहचान है कि ये हो गया है। अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं। इसको बॉईल करने में मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि पके अमरूद हम लेते हैं। अगर आप हरे अमरूद लेंगे, थोड़े कच्चे लेंगे तो पेक्टिन बहुत अच्छा नहीं निकलेगा, इसलिए हमको पीले पके हुए अमरूद लेने चाहिए। पके अमरूद से क्या होता, बहुत गला हुआ अमरूद नहीं होना चाहिए हमें, मतलब ऐसा लेना चाहिए जो पिलपिला अमरूद ना हो लेकिन पका हुआ हो, है ना, बहुत ऐसे गला हुआ नहीं हो। तो अब हम इसको छानेंगे। देखिए मैं छान रही हूं और ये छन्नी में मैंने इसको छाना है।
इसको मैं, ये देखिए इतना रस आया है, इसको मैंने छाना है। अब इसको मैं, ये देखिए काफी पेक्टिन इसमें ऊपर रह गया है तत्व, है ना। हम इसको, अब इसको हम फिर से इसको छानेंगे, इसी से मैं इसको दोबारा से अपने अमरूदों को छान रही हूं। देखिए काफी निकल गया इसका, है ना। अब मैं इसको इससे दोबारा से फिर से इसको मैं ऐसे छानूंगी। मैक्सिमम इसका पैकिंग मैंने निकाल लिया है और पतली छलनी में ऐसे छान रही हूं। इसके जो बीज आ गए थे वो भी सब छन गए। इस तरह से इसको मैंने स्ट्रेनर से 3 बार ऐसे करके छाना है। ये देखिए बिल्कुल क्लियर इसका जूस निकल आया है। देखिए फ्रेंड्स मैं ये नाप रही हूं, ये देखिए इसका जूस है, ये ग्लास है मेरा तकरीबन 300 ml का, तो ये 3.5 ग्लास ये जूस है, है ना। अब इसमें हम इसी हिसाब से चीनी मिलाएंगे, यानी 3.5 ग्लास है तो इसमें मैं सिर्फ 1.5 ग्लास चीनी डालूंगी, इससे ज्यादा इसमें चीनी नहीं डालूंगी। जितना जूस है उसकी जस्ट 1/2 चीनी हम इसमें डालेंगे। चढ़ाया है गैस के ऊपर, इसमें मैं पहले डालूंगी सिट्रिक एसिड थोड़ा सा, इसमें मैं टोटल 10 ग्राम सिट्रिक एसिड डालूंगी। अभी मैं इसमें खाली थोड़ा सा 1/4 चम्मच 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड डाल रही हूं, ताकि इसमें जो चीनी मैं डालूंगी वो क्लियर रहे। और मैं चीनी अब इसके हिसाब से डालूंगी, कि ये मैंने इसमें ये वाला 1.5 ग्लास मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और चीनी को हम इसमें बिल्कुल डिसॉल्व कर लेंगे। सारा गरम गरम ही इसमें काम करना होता है, और इसमें चीनी की जो भी गंदगी ऊपर आएगी उसको हम निकालते जाएंगे, उसको हम साफ करेंगे। हमने सिट्रिक एसिड इसमें इसीलिए डाला है। देखिए फ्रेंड्स जो गूदा निकला था उसको मैंने पहले इसमें छाना था 2 बार, जिससे इसका पूरा पैक्टिन निकल जाए, ठीक है। इसमें से गूदा पूरा नीचे भी आता है, है ना। फिर मैंने इस छलनी से छाना था, उसके बाद मैंने जो बहुत महीन छलनी होती है चाय जैसी, जैसे चाय की और दूध की होती है छानने की, उस छलनी से मैंने 2 बार छाना। इस तरह से ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको मैंने अब गैस पे चढ़ाया है, और जितना ये रस निकला उसका 1/2 मैंने चीनी इसमें डाली है, है ना। इसको अब हम औटाएंगे, उबालेंगे, और गाढ़ा होने तक इसको हम पकाएंगे। इसमें मैंने सिट्रिक एसिड, अभी मैं इसमें टोटल 10 ग्राम सिट्रिक एसिड डालूंगी,
जिससे ये प्रिजर्व रहे, खराब ना हो। सिट्रिक एसिड इसको प्रिजर्व भी करता है। लेकिन पहले मैंने इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड डाला है बस, जिससे इसकी जो गंदगी आएगी चीनी के ऊपर, मैं उसको निकालती जाऊंगी प्लेट में। इसकी चीनी को मैं इससे ऐसे, जो भी ये झाग चीनी के आएंगे इनको हम यहाँ नहीं रखेंगे और धीरे धीरे इनको हम सबको निकालते जाएंगे। अब हम इसको एक मिनट के लिए भी गैस पर अकेला ऐसा नहीं छोड़ेंगे और हम लगातार इसके साथ खड़े रहेंगे, इस पर काम करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चीनी के झाग आ रहे हैं। ये झाग आने अलग चीज होती है और गंदगी, देखिए गंदगी नहीं है, ये गंदगी मैंने निकाली, देखिए चीनी में से ये झाग के पहले ऊपर आती जाती है, ये झाग है, ये गंदगी नहीं है। देखिए देखिए ये एकदम क्लियर हो गई, लेकिन ये देखिए कैसी गंदगी है चीनी की जो आती है, ये हमारे को इसमें से निकालनी है, इसको हम नहीं रखने देंगे और इसमें हम कलछी नहीं चलाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बॉइल हो रहा है, मैंने अभी इसमें बाकी का सिट्रिक एसिड भी डाल दिया है। इसमें हम कलछी नहीं चलाएंगे और इसको हम ध्यान रखेंगे कि बॉइल होकर बाहर ना आ जाए, तो हम इसको बीच बीच में फ्लेम को चेक करते रहेंगे और इसको हम बॉइल अभी करेंगे जब तक ये गाढ़ा ना होने लगे, इसकी मैं आपको निशानी बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको पकाते हुए मेरे को 20 मिनट हो गए हैं। मेरे को थोड़ा, मैंने इसको चक्कर देखा, मुझे थोड़ी खट्टी लग रही थी सिट्रिक एसिड की वजह से, तो मैंने इसमें 50 ग्राम चीनी और डाली है। तो आप इसमें चीनी, अगर आप ज्यादा मीठी खाना चाहते चीनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं औटाते ही समय, ताकि चीनी कच्ची ना रहे, और उसके बाद आप पकाते रहिए। इसको इतना पकाना है कि ये जैसे मैंने देखिए टेस्ट करा है, डाला है ड्रॉप, ये देखिए बह नहीं रहा ठंडा होने के बाद ना, मैं फिर से डाल रही हूं। इसको हम थोड़ा सा रखेंगे, ठंडा करेंगे, बहुत गर्म है। देखिए बहुत तेजी से नहीं बह रहा, ये जमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जेली जो होती है जैम की तरह नहीं होती, जैम से थोड़ी सी फ्लूइड होती है, हल्की सी बहने वाली कंसिस्टेंसी में होती है। जैम बहुत थिक होता है, जेली उतना थिक नहीं होती। देखिए ये बिल्कुल हो गई है, तिरछा कर रही हूं मैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत तेजी से नहीं बह रही, ये देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए ये देखिए, इसी में लगी हुई है, बह नहीं रही। तो ये इसी तरह की जेली होनी चाहिए। जैम बहुत थिक होती है, मार्मलेट भी थिक होता है, लेकिन जेली बहुत थिक हम नहीं रखते हैं। तो ये फ्रेंड्स हो गई है और मैं इसकी गैस को ऑफ कर रही हूं और थोड़ा सा इसको ठंडा करके मैंने कांच के जार अपने साफ करके रखे हैं, सुखा के भाप में खूब इसको साफ किया है कांच के जार को, और उसको मैंने सुखा लिया है, पोंछ लिया है बिल्कुल, और फिर वो मैंने रखे हैं उनमें। इनको मैं थोड़ा सा गर्म रह जाएगी तो भर लूंगी, क्योंकि ये जब ठंडी होती है तो भरना मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जमने लगती है जैम की तरह, जैम की तरह गाढ़ी नहीं होती, लेकिन उसको भरना मुश्किल होगा आपको, क्योंकि फिर वो स्पून में आने लगती है। तो हम इसको, अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूं और मैं जैम आपको फिर दिखाती हूँ जार में भरकर। देखिए फ्रेंड्स, ये जेली इतनी बनी है मेरी टोटल, आप देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट है, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं कि नीचे बोल का जो तली है वो दिखाई दे रही है, बिल्कुल ग्लास वाली ट्रांसपेरेंसी है जेली में, बहुत अच्छी बनी है जेली। और देखिए मैंने ये बॉटल्स ना धोकर सुखाकर साफ करके रखी है अपनी जेली को इसमें रखने के लिए। मैं इसमें अपनी जेली भर लूंगी, अभी ये बहुत गर्म है तो थोड़ी सी भरने लायक हो जाए तो फिर मैं इसमें भर लेती हूँ। आप अभी देखिए, कांच में मैंने इसलिए आपको दिखा रही हूं कि आप इसकी ट्रांसपेरेंसी अच्छे से देख सकते हैं। मैं इसमें अब जार में भरती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मेरा हाथ तक नजर आ रहा है इसमें नीचे, ये देखिए ये हाथ, ये देखिए मेरी रिंग नजर आ रही है, कितनी ट्रांसपेरेंट है ये जेली, बहुत अच्छी बनी है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको हम ठंडा होने से पहले जार में भर लेंगे और जार में भर के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बॉटल में भर ली है, आप इनकी ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, ये देखिए पूरी ट्रांसपेरेंसी है, बहुत बढ़िया जेली बनी है। और ये मेरे भरते भरते सेट होने लगी तो मैंने जल्दी से इसको भरी। देखिए मेरे हाथ दिख रहे हैं, देखिए उंगलियां, रिंग तक दिख रही है मेरी इसमें। तो ये बहुत ही अच्छी जेली बनी है, आप बनाइए, बहुत टेस्टी जेली होती है, आपको बहुत अच्छी लगेगी और बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद होती है। आप बनाइए और एंजॉय करिए, अनूठी में विजिट करते रहिए, मैं तरह तरह का चीजें लाती रहूंगी कला के क्षेत्र में, गुफ्तगू के क्षेत्र में, अनुभव के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में और कुकिंग के क्षेत्र में तो ला ही रही हूँ। तो आप आते रहिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।